कृष्णा कुमार टाइल्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए जैकट ग्रेनाइट का डाला गया है, तीन साइड से वो कैसे फिट होता है। एक हमारे दोस्त ने कॉल करके बोला था कि भाई ये चौकट आप लोग ये नेट के जो डालते हैं तो कैसे डालते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या चीज़ से डाला जाता है, कैसे डाला जाता है, अगर आप पूरा ये जानकारी देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहे और बताएंगे हम ये क्या चीज़ से फिट होता है, कैसे फिट होता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले हम वो ग्राउट यानी कि मसाला का हिसाब लेकर ऊपर वाला पीस को काट कर डाल देंगे। सबसे पहले वो काम करेंगे, देखिए वो जो लकड़ा लगा हुआ है उसको पहले डाल देंगे मोल्डिंग करके ताकि खच्चा आ जाए। उसके बाद दोनों साइड देखिए इसको आधा सेंटी दीवार से आधा सेंटी दीवार के हिसाब से, जैसे दीवार बेंड होता है तो उसके हिसाब से आधा सेंटी हम मसाला लेकर ये पीस कटिंग करेंगे। देखिए किस प्रकार ये कटिंग किया गया, नीचे पूरा सेटिंग होगा छेनी से। आप लोग के तरफ छेनी को क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए वो छेनी से उठाया जा रहा है, देखिए कितनी बारीकी से, और इसमें मसाला डाल दिया गया है। दोस्तों अब देखिएगा इसको अच्छी तरीक़े से पूरा, जब छेनी फिट हो जाएगा तब छेनी से उठाकर, क्योंकि दोस्तों ये बहुत भारी होता है, देखिए छेनी से उठाकर उसको अब ठोका जाएगा, धीरे धीरे ठोकिएगा क्योंकि ये बहुत लंबा पीस होता है और पतला पीस होता है, टूटे ना। पूरा बारीकी से ध्यान से ये सब काम पूरा ध्यान से होता है। दोस्तों हम मोतिहारी में काम करते हैं, अगर हमसे काम करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 8789713600 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तथा हमारे चैनल पर और सारे बहुत वीडियो अवेलेबल है, आप वो सब वीडियो भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों पूरा ये छेनी के द्वारा उठा दिया गया है पूरा ऊपर की, ताकि ऊपर गैप ना हो सके। देखिए आपने देखा कैसे इसको फिट किया जा रहा है, देखिए छेनी से उठाकर उसको पूरा लॉक किया जाएगा। देखिए एक हेल्पर लॉक कर रहा है, देख सकते हैं, हाँ देखिए लॉक हो रहा है। उसके बाद दोस्तों क्या किया जाएगा, इस साइड का मेजरमेंट लिया जाएगा, मतलब जितना इस साइड का चौड़ाई है सेम टू सेम इधर भी वही चौड़ाई लेना पड़ेगा। देखिए क्लीन करने के बाद ये कैसे दिखाई देगा, पूरा अच्छा लुक में आ जाएगा। फर्स्ट दिन ये करना है दोस्तों, ये तीन पीस आपको डाल देना है फर्स्ट दिन, उसके बाद आप साथ साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट दिन हम लोग तीन साइड डाल देते हैं ताकि कल आकर वो मोल्डिंग करके फिट करने में हिलेगा नहीं और कोई दिकदारी नहीं होगा। आप कितना भी जोर से ठोकिएगा चाहे कुछ कीजिएगा तो कोई दिकदारी नहीं होगा। देखिए दोस्तों ये क्लीन कर दिया गया है, खुद मिस्त्री क्लीन कर रहे हैं। देखिए आप लोग भी अपने से पूरा बारीकी से क्लीन कीजिएगा तो सुंदर दिखाई देगा, साथ साथ क्लीन करने से यही प्रॉफिट होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये पीस डालने के बाद पूरा गैप भर चुका है, पूरा गैप से बाहर उसका मसाला आ गया है, देख सकते हैं थोड़ा भी गैप दिखाई नहीं देगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट दिन हम लोग मोल्डिंग करके दिखाते हैं कैसे मोल्डिंग किया जाता है। दोस्तों देखिए मोल्डिंग किया जा रहा है, पहले ये लंबा पीस है, कोई भी रखने वाला जगह पे थोड़ा बालू डाल के नीचे, उसके बाद एक पीस से क्लैंप से टाइट कर दिया जाएगा और उसके बाद मोल्डिंग किया जाएगा। दोस्तों ये देखिए कटिंग हो रहा है, मोल्डिंग का कटिंग हो रहा है, मोल्डिंग कटिंग करने से प्रॉफिट होता है दोस्तों, जल्दी हो जाता है मोल्डिंग और पूरा स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, टेढ़ा नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद मोल्डिंग करने के बाद देखिए दोस्तों कल का जो पीस हमने डाला था उसको आज हम खांचा काटेंगे। देखिए किस प्रकार ऊपर का पीस डाल दिया गया है और ये सीधा जाएगा तो थोड़ा टच होता है, तो देखिए किस प्रकार से खांचा काटा गया है। दोस्तों ये खांचा इसलिए काटा गया है दोस्तों ताकि ये पीस पूरा ऊपर तक जा सके। देखिए हम मरकोल या पट्टा से दिखा कर आपको दिखा रहे हैं, देखिए दोस्तों थोड़ा भी गैप नहीं होगा, ये पूरा स्ट्रेट ऊपर खांचा कटने से
ये पूरा लेवल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद ऊपर वाला पीस आएगा तो पूरा नीचे शार्प हो जाएगा। और ये तो कल डाल दिया गया है ताकि आज ये डाला जाएगा तो कोई निकलने उकलने का कोई दिक्कत नहीं है। अब बताते हैं दोस्तों इसको फिट कैसे किया जाता है, यानी कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों ये बड़ा बड़ा पीस है, ये सीमेंट से फिट नहीं हो सकता है। देखिए ये एडोसिव आता है दोस्तों, एडोसिव आप देख सकते हैं हमारे कवर बॉक्स में एडोसिव आता है। इसको डालने के लिए आप एडोसिव यूज कीजिएगा। एक केजी का दाम लगभग 20 रुपये बिहार में मोतिहारी में है दोस्तों। एक्चुअली हम मोतिहारी में बिलोंग करते हैं, मोतिहारी से बिलोंग करते हैं। देखिए दोस्तों एडोसिव बना दिया गया है। अब इसको आउटसाइड का कैसे फिट किया जाएगा देखिए आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये डालने के लिए दो आदमी चाहिए, एक्चुअली दो आदमी चाहिए, वो भी दोनों मिस्त्री होना चाहिए या कोई तेज तरह हेल्पर होना चाहिए। नया आदमी से ये पीस टूट सकता है। देखिए दोस्तों ये दोनों मिस्त्री काम कर रहे हैं, आप लोग दिखा रहे हैं। देखिए लंबा पीस को अच्छी तरीके से बिछा दिया गया, उसके ऊपर ये जो एडोसिव हमने बताया है ये सीमेंट नहीं है, एडोसिव है। इसका रेट बहुत महंगा आता है। देखिए दोस्तों एडोसिव डाल के उसको अच्छी तरीके से चिपकाया जाएगा ताकि थोड़ा हाइट रखा जा रहा है दोस्तों, ताकि जो प्रेस हो तो पूरा चारों तरफ पूरा अच्छी तरीके से फैल जाए, ताकि भविष्य में ये ग्रेनेड का सलाब गिर ना सके या कोई भी दिकदारी ना हो सके। देखिए पूरे अच्छी तरीके से फैला दिया गया। और देखिए साइड में इसलिए क्लीन किया जा रहा है ताकि वो जो ज्वाइंट में ये मसाला ना घुसे। अगर ज्वाइंट में मसाला घुसेगा तो दोस्तों गैप आ जाएगा, वो गैप आएगा तो सुंदर दिखाई नहीं देगा। मालिक आपको बोल सकते हैं भाई ये गैप कैसे है। देखिए क्लीन कर दीजिए अच्छी तरीके से ज्वाइंट में ताकि गैप ना आ सके। चलिए अब उठा कर इसको हम फिट करके दिखाते हैं दोस्तों कैसे फिट हो रहा है। देखिए पूरा अच्छी तरीके से रेडी हो गया है। देखिए इधर खाना भी हो रहा है। देखिए दोनों आदमी रेडी है इसको डालने के लिए। चलिए तो इस पीस को धीरे से उठाया जाए। देखिए कितनी बारीकी से उठाया जा रहा है दोस्तों, और इसमें वेट भी हो जाता है, वेट भर जाता है दोस्तों। देखिए ये बहुत लंबा पीस है दोस्तों, यानी कि 7 फीट का ये पीस है। गेट 7 फीट का होता है। ये लिफ्ट या कोई अच्छा अच्छा दरवाजे में कोई कोई डलवाता है दोस्तों, ये काम प्रॉपर होता रहता है। लगभग स्टेशन हो गया, लिफ्ट हो गया, यानी जहाँ हॉस्पिटल हो गया। देखिए एडोसिव कम पड़ गया था दोस्तों तो एडोसिव लाया गया, तो फिर से एडोसिव बनाया जाएगा। देखिए दोस्तों एडोसिव एक पीस डाल दिया गया, दूसरे पीस के लिए बनाया जा रहा है। देखिए हम लोग खुद अपने से ही बना लेते हैं, देख सकते हैं। एडोसिव दोस्तों महंगा होने के कारण इसको बहुत कम नुकसान करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये सीमेंट नहीं है दोस्तों, ये बहुत महंगा सामान है। 1 केजी का 20 रुपया है, आपको पहले ही बता दिए हैं। देखिए दोस्तों ये मसाला डाल दिया गया। इसको आपके तरफ क्या बोला जाता है आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। हम साउथ में तो थे तब इसको वहाँ पासा बोला जाता था। देखिए जैसे पहले वाला पीस बताए थे ना स्क्रीन कर दिया गया, अब दूसरा वाला पीस भी ऐसा ही किया जाएगा। देखिए दोस्तों अब इसको अच्छी तरीके से उठाकर फिटिंग हम बता रहे हैं। देखिए देखिए कितना वेट हो गया दोस्तों, अब मिला सकते हैं कितना वेट हो गया, कितना पतला पीस है। ग्रेनेड का पीस थोड़ा भी इधर उधर होगा तो टूट सकता है दोस्तों। देखिए बारीकी से मिलाया जा रहा है। देखिए दोस्तों पहले इस साइड मिलाया जा रहा है ताकि इधर गैप ना आ सके। देखिए अच्छी तरीके से दोस्तों ये अकेले नहीं हो सकता है। देखिए अब इसको घिसा जाएगा थोड़ा दोस्तों, घिसने से ये होगा कि जो बालू या कोई भी उसमें कचरा उचरा घुसा होगा तो बाहर निकल जाएगा। ये देखिए ये डाल दिया गया, देखिए घिस दिया गया और पूरा लेबल बैठाया जाएगा लेबल। देखिए और नीचे से ठोकते 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 ऊपर जाया जाएगा। देखिए नीचे ठोक दिया गया, उसके बाद ऊपर आया जाएगा। देखिए
दोस्तों टाइल से रिलेटेड काम करने के लिए हमारे से जुड़ सकते हैं। हम मोतिहारी से बिलोंग करते हैं, बिहार में जो पड़ता है। दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। रात को 8 बजे के बाद 8 से 10 बजे तक आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। दिन में कॉल प्लीज नहीं कीजिएगा ताकि परेशानी बढ़ता है। हम लोग भी काम कर रहे हैं, देखिए अब इसको फिटिंग कर दिया गया दोस्तों। देखिए ऊपर ठोका जा रहा है ताकि गैप ना हो सके। दोनों साइड मोल्डिंग कर दिया जाएगा ताकि दोस्तों हाथ में लगेगा नहीं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए लास्ट फिनिशिंग डालने के बाद इस प्रकार से दिखाई देता है। ये डालने से दोस्तों खर्चा आता है लेकिन इसका लुक बहुत चेंज हो जाता है, देख सकते हैं। ये महंगा प्रोसेसिंग होता है दोस्तों। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमसे जुड़ने के लिए 8789713600 पे कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।